देखिए अभी जो बात हो रही थी हमारी वो यही हो रही थी कि नोट कम्युनिकेटिव, देखिए 1 करोड़ 20 ले रहे हैं तो हमारा थंब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव सेक्शन को बता रहा है, लेकिन 20 करोड़ से ये लेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वो 20 करोड़ से एक ही पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यहाँ पे मैं एक चीज ये जरूर कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है, मिनट दैट कह सकता हूँ मैं, 1 करोस वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विल बी इक्वल टू -B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे इस पे, दैट विल बी हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन। तो यहां पे कह सकते हैं कि भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, तो एक चीज हमने पढ़ी है, एक हमने अभी पीछे अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों तरफ हमने मैग्नीट्यूड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इक्वल टू हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो एन कैप के मैग्नीट्यूड को लिखने की जरूरत नहीं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी दो वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं, जैसे कोई भी मान सकते हैं ए वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर हमारे पास है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर उसका निकालना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर उसका स्केयर रूट, ए और बी के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, जिससे हम एंगल इवेलुएट कर सकते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो ये चीज तो समझ गए कि भाई अगर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है तो हम किस तरीके से उसका एंगल इवेलुएट करेंगे। ठीक है, जो आपका ये थी, ये मत सोचना कि ए क्रॉस बी दे रखा तो किस तरह से इवेलुएट करना है, हमने वही यूज करना है आई जे के, जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड भी कह सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन करते हुए हम अपना ये निकालेंगे। इस तरीके से हम साइन थीटा इसकी एप्लीकेशन जब करेंगे, जब हम ठीक है क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसका, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो एक चीज तो एंगल के समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमें एंगल को इवेल्युएट करना है। आप देखिए बेटा, वेक्टर का यूज करते हुए दो वेक्टर्स आपको गिवन है, तो ट्रायंगल का एरिया किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले के एप्लीकेशन से इस चीज को समझेंगे। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है, अब ये इन दोनों को इससे कर दिया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये वर्टेक्स है ए बी सी, ठीक है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए अब यहाँ से अगर मैं असेसमेंट आपकी करता हूँ तो क्या चीज़ होगी, अगर मुझे मेरे पास ये एंगल दोनों के बीच का है थीटा, ये मेरी इसके अंदर हाइट है, ठीक है, इसको कह सकते हैं एच। अब यहां से एच की वैल्यू हम देखिए एक सिंपल सी बात समझे कि भाई 1/2 बेस इनटू हाइट है, ये आपका एक एरिया का फॉर्मूला होता है, तो अगर मैं इस एच को निकालूंगा, ठीक है, तो एच बाई बी वेक्टर वही तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो साइन थीटा वही हो गया आपकी वैल्यू, पोजीशन सही सेम जनरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई किसी ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बोल दूँ भाई साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एच बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यही चीज़ तो होती है कि भाई जो हमने पढ़ा था ना पहले पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ओके, अब इस तरीके से यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूं,
ये रहा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये तरीका आप सबको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई साइंस की थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, सबके लिए आसान हो जाएगा। एच की वैल्यू हो गई है, अब यहाँ से वही चीज़ हमारे पास आती है 1/2। देखिए हमने क्या यूज़ किया, एरिया में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो वही चीज़ तो हो गई हमारे पास, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, वो थीटा साइन थीटा का मॉडुलस की बात करेंगे, वो थीटा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी, और ये एन कैप हमने खत्म कर दिया बिकॉज इसका मॉडुलस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं यहां से बात करता हूँ 1/2 एरिया यहाँ लिख लीजिए, ऐसे करिए इसको, तो वही चीज हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई है, यही चीज आ गई। ठीक है, अगर अब एक चीज ये तो हो गई ट्राइंगल की बात, अगर यही आपके वहां से पैरेललोग्राम की बात करें, देखिए मैं इसी फिगर को दोबारा बना रहा हूं, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये इनके बीच में एंगल थीटा है। अब यहां से हमने एक एच ड्रॉ की थी जो ये है, अब मैं इसी के साथ एक पैरेलल वेक्टर जो बन गया है ये, ठीक है, अब एक इधर हो गया है, अब बात तो वही आनी है 1/n। अब यही भी चीज वहां से हो गई, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर उसकी दोनों साइड्स के अलोंग हुआ है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, बी वेक्टर, तो उसको अब क्या कह सकता हूँ, इन दोनों को फिगर के असेसमेंट से मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना वो इस ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस होगा, और यही चीज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही चीज हमारे पास असेसमेंट आ गई। ठीक है, तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के दोनों के एरिया से भी हम इसको असेस कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको कोई भी चाहे ए वेक्टर जैसे दे दिया है आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है, बी वेक्टर आपको दे दिया आई प्लस टू जे माइनस के कैप, तो बड़ी आसानी से आप जैसे पैरेललोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या ट्रायंगल के इसमें पूछा गया कि इनका एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे, पहले निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने डिटरमिनेंट मेथड से, और फिर इसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, बड़ी आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हम क्वेश्चन करेंगे जब एक्सरसाइज के जब आएगा तो वहाँ आपको और बेटर हो जाएगा कि ये किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, एक्सरसाइज के जाने से पहले अगर जैसे आपकी ए क्रॉस बी वेक्टर जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और जिसे आपके बाद इधर है हमारी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जिसे आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसका इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, जिसके साथ में आगे डाल सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे आपकी बात आती थी ए क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी साथ में हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमारी होती थी। इसके बाद हम ये भी पता लग रहा था कि अगर भाई ये पहली चीज़ ये ए क्रॉस बी क्या है कि वैक्टर है, और ये कैसा है कि स्केलर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका या तो ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, अगर ए ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, या फिर आपका साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, और डॉट प्रोडक्ट में हमारी क्या चीज़ असेसमेंट आ रही थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, जिसमें या तो आपका ए वेक्टर जीरो है, या आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, पाई बाई टू हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आई क्रॉस आई आई क्रॉस जे कैप, ठीक है, जे क्रॉस जे कैप और के क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू
जीरो है, और यहाँ पे आपका क्या थे आई डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के क्रॉस सॉरी डॉट फिर से यहाँ कर दो, ये भी आपकी डॉट प्रोडक्ट है तो के डॉट के विल बी आल्सो इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पे जब एंगल फाइंड आउट कराया था तो हमने अलग मेथड थोड़ा सा ये भी जो समझाया मैंने मैग्नीट्यूड के साथ किया है, उसमें भी आपको बताया था सिंपल उसके डिवीजन के साथ चला गया था। ठीक है, जहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वो लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू था हमारा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर कंप्लीट के डिवाइड में मॉडुलस का साथ में। ठीक है, ये था आपका ए वैक्टर मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमारा था कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन बातों से हम समझ जाते थे कि भाई हाँ इनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज जो हमने कम्यूटेटिव भी पढ़ी थी, सॉरी ये और कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि थंब की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपका कम्यूटेटिव था तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, यहाँ से एरिया तो हम उससे नहीं निकालते थे, यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कह सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की आप कह देते थे 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर देते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि भाई एक्सरसाइज में क्या क्या है आपका, तो उसके क्वेश्चंस के साथ हम इसको मूव करेंगे। ओके, तो मैं एक्सरसाइज खोलता हूँ आपके लिए। देखिए, ये चीज़ें सारी हम असेसमेंट कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से किसकी वैल्यू क्या आनी है, आई क्रॉस जे थंब रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन इन्होंने किया है। ठीक है, एक्सरसाइज के शुरुआत से पहले कि भाई आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, ये आपको एन कैप के बारे में बताया था, माइनस एन कैप किधर होगा प्लस एन कैप किधर होगा, इस तरह से हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ठीक है, ये पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, जीरो होगा क्योंकि 180 डिग्री आपका पहुंच रहा है। ठीक है, ये इन्होंने एक सर्कल के थ्रू बताया हुआ कब पॉजिटिव लेना है कब आप नेगेटिव लेना है, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आपका एरिया के बारे में बताया है कि भाई किस तरीके से एरिया है। ओके, ये आपको डिटर्मिनेंट मेथड से किसी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो कैसे निकालना है, ये चीज़ें सारी आपको मैं उन्हें बताई हैं। ठीक है, अब तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की बात चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले ए क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब माई थिंग जैसे आपने पीछे आसान से समझा है, तो सबसे पहले तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ठीक है, तो सबसे पहले आई जे के कैप, ठीक है, 1 - 7 - 7 - 3 - 2 - 2। देखिए, आप वो फॉर्मूला तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, तो अगर एंगल गिवन होता बीच वाला तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, उसके थ्रू हम ए क्रॉस बी निकाल लेते, मैग्नीट्यूड निकाल लेते उसका। लेकिन अब हमें इसके थ्रू हमें करना पड़ेगा, तो आई कैप तो यहाँ पे आ जाएगा -7 - -14 - 14 और ये हो जाएगा +14 प्लस जे कैप सॉरी माइनस जे कैप, ठीक है, 2 - 21 फिर जाएगा प्लस का के कैप, ठीक है, 1 - 2 - 2 और ये हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, इसके बाद यहाँ से तो जीरो हो गया, यहाँ से ये बच गया -19 जे कैप और ये हो गया प्लस का 19 के कैप। ठीक है, तो ये तो जीरो, अब इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है, तो 19² + 19² तो इसे मैं लिख सकता हूँ 19√2 इज योर आंसर। ठीक है, बड़ी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उनको फॉलो करते हुए हमें चलना है। ओके, अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब इसने क्या कह दिया कि भाई यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कीजिए जो ए प्लस बी, और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की भी दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप देखें, सबसे पहले तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा जहाँ हम आसानी से कर पाएंगे। हाँ, आप देखिएगा बेटा, ये दिखेगा भी क्लियर और थोड़ा सा सोचिए। अब सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i कैप 2 प्लस 2, 4j कैप, और 2k कैप से 2k कैप कैंसिल हो गया। अब निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2i कैप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4k कैप। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज असेसमेंट हमारी क्या हो रही है कि भाई हमें एक ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मैंने निकाल दिया और ये मैंने बना दिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया है, ये हो गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अब हमें ये यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कह सकता हूँ मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे के, अब आई फोर फोर जीरो टू जीरो फोर, ठीक है। तो अब इसकी असेसमेंट करते हैं, तो मैं सीधा कर रहा हूँ, देखिए फोर फोर जा 16, ये जीरो पहुँच गया 16i। अच्छा, इसको देखेंगे, फोर फोर जा 16 माइनस जीरो हो गया, तो ये आ गया माइनस 16j, ठीक है। अब यहाँ से k के लिए सोचेंगे तो जीरो माइनस 8, आप देखिए, अब ये तो हमारा आ गया इसके साथ हमारा यूनिट वेक्टर के साथ, लेकिन अब मुझे खाली ये वेक्टर नहीं करना, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। तो यूनिट वेक्टर के चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर में चेंज कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 लिख दिया मैंने, 256, ठीक है, 256 प्लस 256 प्लस 64, इवेल्युएशन आप खुद कर सकते हैं जितनी वैल्यू आएगी, फिर आप इन दी आंसर में क्या कर देते हैं, मैक्सिमम इन सभी के अलग अलग कर देते हैं भाई, एक बार उसके डिवीजन में, एक बार उसके डिवीजन में, ठीक है, मतलब एक बार 16 के डिवीजन में आ जाएगा तो ये आपके आ जाएगा। आप और जो पोजीशन देखें, अभी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसको अलग कर दें, आपको दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पहुंच गया ये पहले, ठीक है। अब ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपने लिख दिया तो वो डाउनवर्ड्स वाला आ जाएगा, ठीक है, तो वो बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ नहीं दिया हुआ, इनके एंड लिख दिया बीच में, तो दोनों तरफ से आपका काम चल सकता है। लेकिन आप पॉजिटिव डायरेक्शन दिया हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने निकाल दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इसको सिंपलीफाई करके आपने लिख देना, दैट विल बिकम योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल दिस विद आई दिस विद जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए, और ए के हमें कंपोनेंट भी फाइंड आउट करने हैं। देखिए, अब यहाँ पे ए वेक्टर के साथ आपके एंगल अलग अलग दे दिए हैं, जैसे कोई भी आप कह सकते हैं, तो यह जो पॉइंट है हमारा, ये अल्फा बीटा गामा, देखिए एलिमेंट वही होते थे जो हमारे कंपोनेंट होते थे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कोई भी एक ए वेक्टर है कोस 5/3 आई कैप प्लस कोस 5/4 जे कैप प्लस
अब तीसरा केस के साथ है वो क्या है, कोस थीटा के है, ठीक है। अब सबसे पहले सभी के सभी यहाँ से यूनिट वेक्टर थे तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यूज को लिख रहे हैं सिर्फ, ए वेक्टर इज इक्वल टू कोस पाई बाई थ्री, किसके बराबर होता है, कोस पाई बाई थ्री का मतलब है कोस 60 एंड कोस 60 विल बी इक्वल टू 1/2i प्लस 1/√2 जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही है कि यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ √ के अंदर 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्केयर थीटा। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/4 - 1/2। थीटा स्केयर रूट करके थीटा की वैल्यू जो इवेल्युएट होगी दैट विल बी योर आंसर एंड कंपोनेंट ओके। ये आपका एक आ गया, दूसरा अगर कोस थीटा की वैल्यू के साथ जो आएगा और तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, सभी चीजें हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दिखानी है कि भाई ये इसके बराबर होगी, ठीक है, इसको शो करना है। अब शो करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं भाई, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए के साथ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी माइनस में, सॉरी ये माइनस है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो अगर दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती बट साइन को चेंज कर दे, तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ तो इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस है ओके, ये भी जीरो हो गया। तो यहां से आप इसके इवेल्युएशन से क्या सकते हैं कि 2 × 2 हो गए हमारे क्रॉस बी वेक्टर, यही हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है। अब इसने क्या कहा है कि भाई ये जीरो वेक्टर के बराबर है, अरे भाई कोई बात नहीं, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, 0i प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब तो वेक्टर ही आएगी, तो सिंपल क्या करना है, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करनी, वही आई जे के 2 6 27 ये हो गया 1 λ μ, ठीक है। आप करिए जैसे आपने आई की 2 λ - 6 किसके बराबर हो गया, 0 के, क्योंकि ये पहला तो यही है ना आई के साथ, आई का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। इसी तरीके से जब मैं जे की वैल्यू को इवेल्युएट करूंगा यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं ओके। इसके बाद मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे इन्होंने क्या कहा है कि भाई ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 0 है एंड ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर भी 0 के बराबर है, कैन यू कंक्लूड अबाउट दीज वैक्टर्स। तो सबसे पहली चीज तो क्या है भाई, इसमें तो कोस साइन थीटा आता है, इसमें साइन थीटा आता है, ठीक है, थीटा तो 0 नहीं होगा, अगर थीटा 0 होगा तो एक दूसरों में नहीं आ सकता, वहाँ पे एंगल अलग अलग है, तो या तो आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तभी तो वो 0 हो सकते हैं। तो ये कंक्लूडन करेंगे कि ये तभी हो सकते हैं कि आपकी वैल्यूज इन दोनों में से किसी एक की 0 है, तब ये इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही कहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। लेट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर गिवन एज, ये देखिए कहाँ, ये आपको ए वेक्टर है, ये आपको बी वेक्टर है और ये आपको सी वेक्टर है। अब आपको शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले LHS को ले लीजिए भाई, LHS में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर तो मेरे पास है A1i कैप
प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये हो गया आपका ए वेक्टर, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस बी टू प्लस सी टू जे कैप प्लस सी वन प्लस सी टू के कैप। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है भाई, आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ आ जाएगा बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू सी वन प्लस सी टू, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी में भी वही आई जे के, ए क्रॉस बी, बी तो पहले ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ये निकालेंगे। अब फिर निकालना है ए क्रॉस सी, तो मतलब आई जे कैप के कैप, ठीक है, यह आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब इनकी जो वेक्टर आएंगे फिर उनकी क्या करना है, हमें उनको ऐड करना है, सॉरी उनको ऐड करना है। क्लियर करके देखना 100% बोथ विल बी इक्वल एंड दिस थिंग वी नीड टू शो, ओके। इसके बाद देखिए, कोई थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस थोड़ी करनी पड़ेंगी, कोई बी प्लस सी के साथ आपका है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको करने की ज़रूरत है, बाकी आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इफ आइदर ए वैक्टर इक्वल टू जीरो बी वैक्टर इक्वल टू जीरो देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। भाई या तो सीधी सी बात, अगर ए वैक्टर जीरो हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो ए क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा, बी वैक्टर जीरो हो गया तो भाई ये भी हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा है, क्या इसकी कन्वर्स ट्रू है, क्या इसका जो कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, विलोम, मतलब उसका उल्टा, मतलब अब गिवन कंडीशन क्या कर देंगे कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू जीरो है, तो पक्की कंडीशन है जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा। अरे भाई अभी भी बात की थी, क्या साइन थीटा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्या 180 डिग्री एंगल नहीं आ सकता, तो भाई कंडीशन तो क्लियर है कि भाई अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जीरो ना हो, ठीक है, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन अगर ए बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आती है। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके कन्वर्स में एक कंडीशन रह गई जो इन्होंने छोड़ दी, जिसकी असेसमेंट के साथ हमने करना है, ओके। आप बात करेंगे भाई हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो आपने अभी अभी सीखा था कि भाई ट्रायंगल ए बी सी तीन वर्टेक्स बना लेते हैं, ये ए है, एक एक दो, ठीक है, ये है टू थ्री फोर, ठीक है, इसके बाद कर रहे हैं वन फाइव फाइव, ठीक है, बी सी, ओके okay। अब काम क्या करना है, सबसे पहले तो बी ए वेक्टर निकाल लो। अरे भाई वही काम तो करना है, ठीक है, उन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट से निकालनी है, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वही तो एरिया होगा, अभी तो हमने किया था। फिर यहाँ निकालेंगे बी सी वेक्टर, और फिर क्या करना है, बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और उसको साथ में क्या कर देना है, वन बाई टू। सबसे पहले तो बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए कैसे निकलेगा, ठीक है, x2 टू माइनस एक्स वन बी ए, ये जाएगा, तो देखिए ध्यान से 2 3 4 है यहाँ पे, 2 3 बी यही है ना पॉइंट हमारा, 2 3 5 है, सॉरी 2 3 5 है, 5 यहाँ से देखिएगा, ये रहा वो 1 1 2 है। तो अगर मैं बी ए वैक्टर फाइंड आउट करता हूँ तो 2 माइनस बी ए, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2 जे कैप, और 2 माइनस 5 माइनस थ्री के कैप। इसी तरीके से बी सी आ जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा फाइव माइनस थ्री टू जे कैप, और फाइव माइनस फाइव जीरो, छोड़ दीजिए इसको। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, आई जे के, ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन टू जीरो, ठीक है, ये आ गई हमारी ए क्रॉस बी, एक वैक्टर जनरेट हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और उसको टू से डिवाइड कर देना रूट निकाल के, दैट विल बी योर आंसर, ओके। बड़ा आसान काम है, और टेंथ क्वेश्चन में तो और आपका काम आसान कर दिया, क्या काम आसान कर दिया है, इसमें तो सीधे वेक्टर दे दिए हैं, अब वन बाई टू भी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधा इवेल्युएट कर सकते हैं, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, दैट विल बी एरिया ऑफ पैरलोग्राम, जो आप आसानी से कर लेंगे।
अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एमसीक्यू टाइप में जाता है आपका, लेट द वेक्टर ए करो ए एंड बी वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, लेट ए एंड क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। अब देखिएगा भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सिंपल हम अगर बात को समझें कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2/√3, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके बाद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर, ये तो 1 हो गई क्वांटिटी, ऊपर भी 1 ही लिखा था मैंने, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3 √2/3, 3 से 3, 1/√2, इस पे होता है π/4 पे, बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, चार वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए ये है पोजिशन वैक्टर, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इवेल्युएट करना है। तो ये आपकी पोजीशन हो गई, ठीक है, इनके चारों की पोजीशन अलग अलग, जैसे इसको अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बना दूं तो ये ए बी सी डी, अब छोड़िए ना इन चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट लिख पाऊंगा मैं। तो अगर मैं इसकी इवेल्युएट करता हूँ ये, तो सीधा सा ये पॉइंट डालूंगा -1, 1/2 और 4, और ये डालूंगा 1, 1/2 और 4, और इस सी पॉइंट को डालूंगा 1, -1/2, 4, और इसको डालूंगा -1, -1/2 और 4। अब क्वेश्चन ही करना है आपको, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर निकालो, ये वेक्टर निकालो, और क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट विल बी आंसर, जो आएगा उसको इवैल्यूएट कर दो, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आफ्टर दैट वी आर रीचिंग टू द मिसलेनियस, ओके। तो ये तो आप अभी कितना कराने के बाद सारा आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपकी कंप्लीट होती है आज के लिए, ओके बेटा, गुड बाय।